बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं जुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सिर्फ एक जेट की मदद से आज हम पेट्रोल की एवरेज करेंगे 80 किलोमीटर, वो किस तरह करेंगे मुकम्मल डिटेल इसी वीडियो में शेयर होगी आपके साथ। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये हमारे पास एक बाइक आई है, इसकी एवरेज जो है इंतहाई गलत है, यानी कि 30 से 35 किलोमीटर ये एवरेज कर रही है। तो हम सिर्फ इसमें चेंजिंग करेंगे एक जेट की, कौन से नंबर का जेट लगाएंगे, किस तरह चेंजिंग करेंगे, सब कुछ इसी वीडियो में शेयर होगा। दोस्तों वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एवरेज चेक करने के लिए जब भी आपने किसी बाइक की पेट्रोल की सेटिंग चेक करनी, तो आपने प्लग देखना, प्लग खोल के उसके कलर को चेक करना कि आया कि हमारी बाइक का प्लग जो है ब्लैक है या वाइट है। तो आप देख सकते हैं प्लग का कलर कितना ज़्यादा ब्लैक है और ये बाइक बहुत ज़्यादा फ्यूल जो इस्तेमाल कर रही थी। तो अब हम इसका जो सेटिंग बताएंगे आपको किस तरह हम सेटिंग करेंगे। बताना चाहता हूँ कि जो न्यू मॉडल कार बैटरी है उसमें जो है जेट 78 नंबर का आता है हमारा, और जो ओल्ड मॉडल कार बैटरी है 70 या चाइना के, उसमें हमें 72 नंबर का जेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी हम इसमें कौन सा जेट कर चेंज करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो कार्बेटर पहले खोलेंगे हम, पहले की सेटिंग इसकी चेक करेंगे। तो इसके नीचे दो स्क्रू लगे होते हैं जो हम खोलेंगे, चार मोहल, दो अदद स्क्रू होते हैं हमारे। इंशाल्लाह इस तरीके से आप खुद भी घर में ही पेट्रोल की एवरेज सेट कर सकते हैं। तो ये हमने जो है कार्बेटर को खोल लिया, इसके अंदर का पेट्रोल हमने बाहर निकाल लिया और इस फ्लूड को हम बाहर निकालेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा जेट है वो इसमें 78 नंबर का, आप देख सकते हैं ये अगर जूम करे कैमरामैन तो ये देखिए 78 नंबर का हमारा जेट है। इसको हम खोलेंगे और इसमें जेट कौन सा नंबर लगाएंगे वो भी आपको अभी हम बताते हैं। ये हमने जो है इसका जेट खोल लिया, अब हम इसके अंदर कौन सा जेट लगाएंगे। सिर्फ दोस्तों हमने चेंजिंग करनी है इस जेट की और कुछ भी नहीं हम इसके अंदर से चेंज करेंगे। या हम पेट्रोल का लेवल देखेंगे, यानी कि जो पेट्रोल के अंदर लेवल होता है, जहाँ पेट्रोल हमारा जमा होता है इसके अंदर, इसका लेवल भी हम दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। बाइक जो है आपकी गारंटी के साथ जो है 75 से 80 किलोमीटर आपको एवरेज ज़रूर देगी मेरी बताई सेटिंग पर अगर आप अमल करेंगे। तो अब हम दोस्तों जेट लगाएंगे इसके अंदर। तो ये हमने जो है दोस्तों क्रोन लिफान का जेट ले लिया है, ये हमें जो है बासानी मार्केट से मिल जाएगा। कि तो आपने उस दुकानदार को बोलना कि हमें 68 नंबर का जेट चाहिए 70 बाइक का, वो आपको बासानी मिल जाएगा। तो ये हम इसके अंदर चेंज करेंगे क्योंकि इसका अपना जो है 78 नंबर का, अब जो हम इसके अंदर लगा रहे हैं 68 नंबर का, हम जो है 68 नंबर जेट इसके अंदर फिट कर देंगे। दोस्तों इसके साथ जेट लगाने के साथ हमने थोड़ी सी और सेटिंग को भी चेंजिंग में लाना है, वो मैं आपको बताता हूँ, अपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अभी फाइनल मैंने आपको बताना है कि एक चीज़ और भी हमने इसकी चेंज करनी है सेटिंग, फिर अगर आप अकेला जेट ही चेंज करेंगे तो हमारी बाइक जो है मिसिंग करने लग जाएगी। तो मैं आपको वो भी बताऊँगा क्या चीज़ में हमने चेंजिंग करनी है, इंशाल्लाह हमारी जो बाइक है वो बिल्कुल जो है एक तो 100% एवरेज भी अच्छी देगी और दूसरा पिक में भी नहीं फर्क आएगा उस सेटिंग के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है कार्बेटर की सेटिंग को कर लिया कंप्लीट। अब थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे बाहर से, ताकि जो इसके ऊपर डस्ट वगैरह वो ख़त्म हो जाए, और हवा मार के फिर हम कार्बेटर को करते हैं फिट। तो दोस्तों अच्छी तरह वॉश करने के बाद कार्बेटर को हमने हवा लगा के अब इसको फिट कर दिया दोबारा। और अब दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने जो है कार्बेटर के सिलाई के लॉक को लाजमी चेक करना, तो आप देख सकते हैं जो है इसका लॉक गलत है। अगर इसी तरह हम फिट कर देते तो हमारी बाइक जो है मिसिंग करना शुरू हो जाती, क्योंकि हमने जो है इसका जेट से पेट्रोल इसका कम कर दिया और ऊपर से पहले से कम था, क्योंकि कोई मकैनिक जो है इस पर उस्तादियाँ लगाता रहा लेकिन उससे पेट्रोल सेट नहीं हुआ, तो फिर उसने जो है सिलाई का लॉक ऊपर कर दिया। तो सिलाई का लॉक अगर आप ने सेट करना तो हमेशा आपने सेंटर में रखना है, यानी कि दो ऊपर से छोड़ने, दो ऊपर से
नीचे से छोड़ने, और सेंटर में आपने जो है इसका लाग लगाना हमेशा। तो हम इसका लाग निकाल के हम इसको सेंटर में कर देंगे। तो ये सेटिंग थी जो हमने लाजमी चेक करनी, क्योंकि अगर आप इसी तरह बाइक को फिट कर देते कार्बेटर को तो हमारी जो है एवरेज तो बेहतर होती, लेकिन हमारी बाइक जो है मिसिंग भी करना शुरू कर दे। तो दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो का मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, यानी कि जो आज की वीडियो में हम कार्बेटर इस बाइक का सेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी फ्यूल की एवरेज भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बाकायदा। जो बात मैं करता हूँ बिल्कुल सबूत के साथ करूँगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसकी कार्बेटर की जो हमने सेटिंग की है, और मैं आपको इंशाल्लाह 75 से 80 किलोमीटर इस बाइक का करा के दिखाऊंगा इस कार्बेटर के ऊपर। तो हम अभी इस कार्बेटर को फिट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दिया जाएगा कि हमारी आया के इस सेटिंग के बाद हमारी बाइक ने जो है कितने किलोमीटर एवरेज की। तो आप बाइक का जो है प्लग का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ही ब्लैक है। अब दोस्तों हम यही प्लग बगैर साफ किए हम इस बाइक के अंदर लगाएंगे, इंशाल्लाह यही बाइक हमारी जो है इस प्लग को साफ करेगी। तो अब हम प्लग अंदर लगा रहे हैं, हम बाइक को थोड़ा चला के आएंगे, फिर हम आपको प्लग खोल के दिखाएंगे। प्लग बिल्कुल रेड होना चाहिए। तो अगर आपको प्लग के कलर के बारे में नहीं पता कि हमारी बाइक की प्लग का कलर कैसा होना चाहिए फ्यूल एवरेज अच्छी होने के लिए, तो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने 3 तरह के प्लग के कलर बताए हुए हैं, यानी कि हमारी बाइक के जो प्लग का कलर किस तरीके से होना चाहिए उसमें आपको वाजह पता चल जाएगा अगर हमारी बाइक अच्छी एवरेज दे रही है या हमारी बाइक के इंजन में काम तो नहीं है। तो अभी हम बाइक स्टार्ट करने लगे। अब हम आपको मिक्सर की सेटिंग बताएंगे कहां पर हमारे मिक्सर को होना चाहिए। तो हमने रेस बाइक की बढ़ा ली है, अब पहले हम टायर करके देखेंगे। तो देख सकते टायर करने से हमारी बाइक बंद हो रही है। अब हम इसे बिल्कुल दोबारा से ढीला करेंगे। ढीला करने से भी हमारी बाइक जो है जो बंद होने की कोशिश कर रही है, हमने वहां पर रखना है जहां पर हमारी बाइक का इंजन के आरपीएम बिल्कुल पूरे हो जाए। तो ये सेटिंग जो है देख सकते हैं हमारा इंजन फुल पावर में आ चुका है। यहां पर हमारा मिक्सर बिल्कुल ठीक है, और अब हम इसकी रेस स्लो कर देंगे। फाइनली हम बाइक को अभी चला के आएंगे और आपको चेक कराते हैं बाइक का प्लग का कलर के कैसा बाइक का प्लग का कलर होना चाहिए। फाइनली आप देख सकते हैं बाइक का बिल्कुल प्लग जो है गोल्डन कलर में आ गया। देखें आप, हमने कुछ भी नहीं इसकी चेंजिंग की, सब कुछ वही है, सिर्फ हमने जेड चेंज किया, और अल्लाह के हुक्म से ये बाइक जो है 75 से 80 किलोमीटर एवरेज ज़रूर देगी। तो अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगा कि आया कि हमने जो सेटिंग की है उससे हमारी बाइक जो है कितनी एवरेज दे रही। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।